मृतक पुत्री को न्याय दिलाने के लिए 7 महीनों से दर दर भटक रहा पिता। मामला थाना सांडी क्षेत्र के ग्राम जजवासी का है, जहां के अनेश कुमार पुत्र राजेंद्र पाल ने हमें बताया कि उन्होंने मोहल्ला ऊंचा थोक हरदोई में कॉस्मेटिक की दुकान खोली, जहां उन्होंने अपनी पुत्री शिवानी को बैठाना शुरू किया। पड़ोस में मीना पत्नी उदय प्रताप और उनकी पुत्री ज्योति टेलर की दुकान चलाते थे। ज्योति की मित्रता शिवानी सिंह से हो गई। जब उन्हें पता चला कि ये लोग ठीक नहीं है, तो उन्होंने अपनी पुत्री को ज्योति और मीना से मिलने के लिए मना किया। लॉकडाउन में वे दुकान बंद करके घर पर रहने लगे। पुत्री शिवानी सिंह एक दवाई की कंपनी में काम करने लगी। मीना और ज्योति ने उनसे वहां भी मिलना नहीं छोड़ा। जब शिवानी ने गलत काम करना स्वीकार नहीं किया, तो तीनों लोगों जिनमें मीना, ज्योति जो कि शमशान घाट रोड हरदोई निवासी है, उनके पुत्र मंजिले सिंह निवासी ग्राम जजवासी ने उनको मिलकर जहर खिला दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उनका कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहरीले पदार्थ से मृत्यु प्रमाणित हुई है, लेकिन पुलिस का कहना है कि शिवानी की मौत नशे के कारण हुई है। वे शराब पीती थी, जबकि मरते समय शिवानी ने अपना बयान दिया कि उसके साथ क्या घटना घटित हुई थी। पीड़ित पिता थाना सांडी एसपी हरदोई और आईजी लखनऊ को प्रार्थना पत्र दे चुके हैं। आईजी के आदेश पर 302 में मुकदमा भी पंजीकृत हुआ, लेकिन अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और बराबर धमकी दे रहे हैं। उनका कहना है कि पुलिस हमारा कुछ नहीं कर सकती, तुम्हें जो करना है कर लो। पीड़ित ने न्याय के लिए गुहार लगाई है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अनिल कुमार सिंह है, मैं ग्राम जजवासी पोस्ट बजराई का रहने वाला हूँ। क्या समस्या है आपकी? समस्या सर, हमारी लड़की को 3/2/2021 को जहर दे दिया 4 किलोमीटर के, और हमने जो है खाली रोड से दुकान खोली थी, उसमें सौम्या कॉस्मेटिक के नाम से, उस पर हम भी बैठते थे, हमारी लड़की भी बैठती थी। बगल में पड़ोस में मीना द्विवेदी और उनकी पुत्री प्रिया देव की वो भी बैठती थी, तो उनकी सिलाई की दुकान थी। इस लहजे से वो खाल अस्तर वगैरह उनका लेना देना होता था, हमारी दोस्ती होने के बाद उनका कभी कभार आना जाना भी चालू हो गया हमारे घर पर। लेकिन जब मुझको यह बात पता चली कि ये लोग गलत टाइप के लोग हैं, तो हमने अपनी लड़की को डांटा, और डांटने के बाद अपनी दुकान जो है कोरोना काल में उठा के घर में रखी, आने जाने का संबंध बंद कर दिया। उसके बाद में हमारी लड़की को हजोट फार्मा प्राइवेट लिमिटेड में नौकरी मिल गई हमारे के पद पर, वो उसमें काम करने लगी और उसका बराबर आना जाना हो गया। लेकिन मीना और ज्योति ने इनका पीछा नहीं छोड़ा, और ये लोग जब हमने मोहल्ले में इनके बारे में पता करा, तो ये लोग बहुत ही गलत टाइप के लोग थे। और मीना और ज्योति देह व्यापार का धंधा चलाती थी, हमारी लड़की इस बीच में इन लोगों को समझाती होगी, समझाने के चक्कर में वो लोग तो समझे नहीं, लेकिन हमारी लड़की को इन लोगों ने जहर दे दिया। और विपक्षियों को ये महेश और विवेक, ये लोग पहले से ही इनके आना जाना था इन लोगों का। ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं? ये विवेक तो ग्राम जजवासी का रहने वाला है, महेश इनका मामा है, ऊंचा थोक निवासी है, और इन लोगों का आना जाना था। इनका आपस में किसी बात पर झगड़ा या वाद विवाद हो रहा था, लड़की हमारी आई और 1232 रद्देपुरवा में प्रताप नगर प्रताप डॉक्टर के पास करने में तस्वीर भी कैद हुई, जो हमारे आईओ सिराजी पुरु को दिखाई भी गई। उसमें हमारी लड़की से बराबर बातचीत और झगड़ा हो रहा था, और वो ड्रेस मिलाया गया तो ज्योति और प्रिया का ड्रेस मिला। उसी झगड़े के दौरान 1 या 2 बजे करीब वो उन्हीं के घर पे चली गई, और उन लोगों ने मिलकर के हाथ महेश और विवेक को बुलाकर हाथ पैर पकड़ के हमारी लड़की ज़बरदस्ती जहर दे दिया। चूँकि यह बात मुझे ऐसे पता चली जब इन्होंने, तो एक हमारे रिश्तेदार भी हैं गगन, जिनके पास